ज्यों लोकसभा चुनाव के मतदान का समय नजदीक आ रहा है, प्रत्याशियों ने भी अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। बात करें फरीदाबाद लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर की, तो वो पिछले एक महीने में पलवल जिले के ज्यादातर गांवों का दौरा कर वोटरों को रिझाने में पूरे जोर जोर से जुटे हैं। अब उनकी पार्टी के नेता भी अलग अलग क्षेत्रों में जाकर डोर डोर लोगों से वोट मांग रहे हैं। पलवल जिले के गांव दिगोट, हसनपुर और खिरबी में पलवल जिला परिषद की चेयरमैन चमेली देवी सोलंकी ने अपने समर्थकों के साथ डोर टू डोर जाकर लोगों से अपने भाजपा प्रत्याशी कृष्ण पाल गुर्जर के लिए वोट मांगे। इस मौके पर जिला परिषद की चेयरमैन चमेली देवी सोलंकी ने कहा कि कल होडल शहर में डोर टू डोर कार्यक्रम था, आज गांव दीघोट सहित कई गांवों में जाकर लोगों से भाजपा को वोट देने की अपील कर रहे हैं, क्योंकि भाजपा सरकार में सभी वर्गों का विकास किया गया है। पूरे देश में मोदी जी की लहर चल रही है, लोग मोदी जी को दोबारा पीएम बनाना चाहते हैं और फरीदाबाद लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी कृष्ण पाल गुर्जर पहले से भी ज्यादा वोटों से जीतकर संसद में पहुंचेंगे, क्योंकि उन्होंने पूरे फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में विकास कार्य किए हैं। देश में स्वच्छता अभियान चलाया गया, सेना के सम्मान के लिए भी पीएम मोदी जी ने काम किया है, किसानों के लिए भी भाजपा सरकार ने काम किया है, महिला और मजदूरों के उत्थान के लिए भी भाजपा सरकार ने काम किया है। देखिए, आज कल हमारा होटल मार्केट के अंदर भी डोर टू डोर प्रोग्राम था। हम जो है घर घर जा कर के मार्केट में भी हर दुकानों पे हमने डोर टू डोर किया था और भारतीय जनता पार्टी के लिए कमल का बटन दबाने के लिए लोगों से अपील की थी। और आज हमारा जो प्रोग्राम है, ये होडल विधानसभा का बहुत बड़ा गांव है, तकरीबन 10,000 से ऊपर यहाँ के वोट है, दिगोट और मेरे वार्ड का काम भी है ये, तो यहाँ पर हम डोर टू डोर कर रहे हैं। लोगों के अंदर बहुत अच्छा जो रुझान है मोदी जी के नाम पर, जो लोग हैं उनकी एक ही बात है कि हमने मोदी जी को दोबारा से प्रधानमंत्री बनाना है, इसलिए आज हम लोगों से एक बार फिर। क्या लगता है जो माहौल देखकर कितनी वोटर्स जीत होगी लोकसभा? देखिए, जितनी वोटों से पिछली बार जीत हुई थी 4.5 लाख से ऊपर वोटों की जीत हुई थी, उससे ज़्यादा मार्जिन इस बार रहेगा और लोगों की जो पिछली बार जितनी लहर थी उससे ज़्यादा लहर इस बार है मोदी जी की। जनता के अंदर जो है लोग मोदी 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 के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है, क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे देश में काम किया है, सबसे पहले स्वच्छता अभियान चलाया और हमारे जो फौजी है भाई, जिनको पहले कोई मान सम्मान नहीं मिलता था, उनको भी पूरा मान सम्मान अगर मिला है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर मिला है। और जहाँ तक किसानों की बात करें तो किसानों को भी कम से कम जो लागत है उसका 1.5 गुना जो कीमत दे करके किसानों को उनका भी ख्याल रखा है, मजदूरों का ख्याल रखा है, महिलाओं का ख्याल रखा है हर जिले में। अब आगे क्या कार्यक्रम रहेगा? आगे अभी हम डोर टू डोर ही करेंगे और मेन मेन जगहों पर हम जाएंगे और वहाँ पर लोगों से लोग वोट मांगे कृष्ण पाल जी के लिए। हमारे जो लोकप्रिय सांसद है, पहले 4.5 लाख वोटों से जीते थे, आज हम उनके लिए एक बार फिर से वोट मांगने के लिए इस गांव के अंदर आए हैं। प्रचार बहुत अच्छा चला हुआ है, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो देश को दिया है, आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने वो सम्मान, फौजियों को सम्मान, जनता को सम्मान, वो किसी भी प्रधानमंत्री ने आज तक नहीं दिया। विकास के क्षेत्र में जितना कृष्ण पाल जी ने फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र का विकास कराया है, आज तक किसी भी सांसद ने इतना फरीदाबाद क्षेत्र का विकास नहीं कराया। कैसा माहौल है गांव में जा रहे हो? माहौल गांव में एक तरफा माहौल है, यहां पे मंत्री जी ने बहुत अच्छे विकास कराए हैं, बहुत पैसा गाँव के विकास के लिए दिया है, चाहे रोड हो। हमारे होडल विधानसभा क्षेत्र में जो हमारी ITI आनी थी, जो मुख्यमंत्री जी का नारा था कि हर विधानसभा क्षेत्र में एक ITI रहेगी, वो ITI माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी, विपुल गोयल जी, मुख्यमंत्री जी ने इनके सबके सहयोग से वो ITI हमें दिए और हमारे यहाँ पे सुचारू रूप से क्लास चली हुई है। ठीक है।